दिल्ली में अभी तक 7 केसेस टोटल हुए, उन 7 में से एक के अंदर दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो गई, 2 केसेस हैं जो ठीक होके अपने अपने घर चले गए, 4 केसेस हैं जो अभी हॉस्पिटल के अंदर हैं और वो भी रिकवरी पे हैं, तो उम्मीद है कि वो भी जल्दी ठीक होके घर चले जाएंगे। पेशेंट्स को जहाँ जहाँ क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है हमें, वहाँ हम लोग क्वारंटाइन कर रहे हैं। अगर इलाज अचानक से अगर ये फैलता है और ट्रीटमेंट की, हॉस्पिटलाइजेशन की बड़े स्केल पे ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी हमने सफिशेंट बेड्स, 500 से ज़्यादा बेड्स तैयार किए हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हॉस्पिटलाइजेशन की हम उसके लिए भी तैयार हैं, अभी तो ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जो इनके कॉन्टैक्ट्स में आए थे, जो पेशेंट्स हैं इनके कॉन्टैक्ट्स में जो आए थे, उनको होम क्वारंटाइन करवा रहे हैं। उनसे सबसे ख़ास तौर से आप सभी मीडिया के साथियों से निवेदन है कि उनसे, आप लोगों के ज़रिए अपील करना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों को होम क्वारंटाइन है, वो बहुत सख्ती के साथ अपने घर में एहतियात बरतें, और लोगों के साथ घुले मिले ना, ये उनके लिए, उनके परिवार के लिए और समाज के अन्य सदस्यों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको, बीमारी को फैलने से रोका जाए। तो जिन जिन लोगों को होम क्वारंटाइन कहा गया है, उनके लगातार हम टच में रहते हैं, लेकिन उनसे निवेदन है कि वो उसको सख्ती के साथ करें। आज के अभी तक हम ऑलरेडी स्कूल्स, कॉलेजेस, आंगनवाड़ीज और स्विमिंग पूल्स को 31 मार्च तक बंद करने के ऑर्डर दे चुके हैं। आज ये निर्णय लिया गया कि जिम, नाइट क्लब्स, स्पाज, इनको भी 31 मार्च तक बंद करने के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। और दूसरी जो भी गैदरिंग्स हैं, अदर गैदरिंग्स, 50 से ज़्यादा गैदरिंग्स, चाहे रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल, कल्चरल, ऐसे कोई भी गैदरिंग अलाउ नहीं की जाएगी 50 से ज़्यादा। अभी इसमें शादी को एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन हमारी अपील है सबसे कि अगर हो सके तो शादी की डेट्स को पोस्टपोन कर दें, लेकिन अगर कोई बहुत अर्जेंट है तो शादी की डेट को, शादियों को इससे एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि इसमें रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल और कल्चरल गैदरिंग्स को एक्सक्लूड को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आज सभी एमसीडी कमिश्नर्स को और सभी एसडीएम्स को ये आदेश दिए गए हैं कि बड़े स्तर के ऊपर जगह जगह पब्लिक प्लेसेस में साबुन और पानी का इंतज़ाम, मोबाइल, एक तरह से वॉश बेसिन का इंतज़ाम किया जाए जगह जगह पब्लिकली, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय समय पे अपने साबुन से हाथ धो सकें। तो सबको टारगेट दिए जाएंगे कि हर एसडीएम को अपने अपने एरिया के अंदर इतनों का इंतज़ाम करना है। उसी तरह से हैंड सैनिटाइजर्स, जहाँ जहाँ, जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग है, सिक्योरिटी गार्ड है, तो सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर पास हैंड सैनिटाइजर्स रख देंगे, तो जो भी बिल्डिंग में जाता है और बिल्डिंग से बाहर निकलता है, वो अपने हाथ सैनिटाइज करके निकले। इस तरह से जहाँ जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे, पब्लिक प्लेसेस पे हैंड सैनिटाइजर्स रखे जा सकते हैं, वहाँ पे हैंड सैनिटाइजर्स रखे जाएंगे। मेरी फिर से लोगों से अपील है कि ये सरकार अपने स्तर पे जो जो कदम उठा सकती है उठा रही है, और जितना ज़्यादा सहयोग जनता से मिलेगा तभी ये सभी एफर्ट सक्सेसफुल होंगे। हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ देशों के अंदर ये इतने बड़े स्तर के ऊपर फैल गया कि अब उन्हें कंट्रोल कर पाना मुमकिन नहीं हो रहा। हमारे देश के अंदर फॉर्चुनेटली ये अभी तक कंट्रोल हो पाया है। तो सबसे पहली चीज़ कि हाथ मिलाना बिल्कुल बंद कर दें किसी के साथ, दूसरी चीज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन के अंदर अपने हाथ धोते रहें, साबुन से धोते रहें, और तीसरा अपने हाथ को आँख, नाक और मुंह पे टच ना करें, अपने फेस के ऊपर हाथ को टच ना करें। अगर ये तीन चीज़ें हम कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक हम अपने आप को बचा सकते हैं। रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल, कल्चरल, एनी काइंड ऑफ गैदरिंग विद मोर देन 50 पीपल इज़ नॉट अलाउड। सभी के ऊपर ये लागू है, तो सभी को, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, चाहे कोई भी हो, उसको उसके ऊपर ये लागू होगा, ये ऑर्डर लागू होगा। और मॉल्स के बारे में अगर ज़रूरत हुई तो एक दो दिन में उसके ऊपर भी निर्णय लेंगे हम लोग। बहुत सारे जो विदेशों से लोग आ रहे हैं, स्पेशली हवाई जहाज पे, तो वो दे बिलोंग टू अफ्लुएंट क्लास,
उनकी उम्मीद के हिसाब से कई जगह फैसिलिटीज़ नहीं है, फैसिलिटीज़ में कमी भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, उसको भी इम्प्रूव करेंगे, लेकिन अब एक स्पेशल हम वो तय कर रहे हैं कि कुछ होटल्स हमने बुक किए हैं कि अगर वो पे करना चाहें तो 3 होटल्स के अंदर इंतज़ाम किया है, वो पेमेंट करके और होटल के अंदर रुक सकते हैं, क्वारंटाइन उनको होटल में कर देंगे, पर फिर उसके लिए उनको पेमेंट करना पड़ेगा।